मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने एनसीपी नेता शरद पवार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शरद पवार 1988 से 1991 तक राज्य के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान शरद पवार विदेश दौरे पर गए थे। पवार भारत से लंदन गए, वहां से दो दिनों के लिए कैलिफोर्निया गए। उन्होंने कैलिफोर्निया में एक बैठक की, यह उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए कि बैठक किसके साथ हुई थी। वहां से वह लंदन आए, दो दिन बाद वे दुबई चले गए। दुबई एयरपोर्ट पर ही शरद पवार की मुलाकात कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई, जहां दाऊद ने पवार को एक सोने का हार उपहार में दिया। वहां से शरद पवार शाम की फ्लाइट से लंदन आए और दो दिन बाद भारत लौट आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 में इस देश को आगाह किया था कि चाइना इज एक्सपांशनिस्ट, अगर हम लोग अपने आप को डिफेंस करने के स्थिति में नहीं आए तो चाइना विल अटैक अस वेरी फास्ट। बाबा साहब का वो जो कहना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना नहीं और जो नतीजा था वो मेरे ख्याल से हम सबके सामने है। आज वैसे ही परिस्थिति देश के सामने है। एक तरफ कनाडा, यूएस, इंडिया, इनकी कश्मकश चल रही है और दूसरी तरफ इज़राइल और पैलेस्टाइन जो है जिसकी आशंका है कि आने वाले दिनों में ये मामला बढ़ने वाला है, वॉर एक्सपांशन होगा ऐसा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत की ओर से जो आज की परिस्थिति है दोबारा 1990-2000 की परिस्थिति दिखाई देती है। बीच में जो बम ब्लास्ट का मामला होता था या किसी को गोलियां मारी जाती थी वो रुक गया था, पिछले दिनों से ये दोबारा शुरुआत हुआ है और बाबा सिद्दीकी की खुलेआम कत्ल गई है ऐसी एक परिस्थिति है, हत्या की गई ऐसी एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति को देखते हुए कुछ पिछला इतिहास भी हम लोग को देखना जरूरी है कि जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सामने लाना चाहता हूँ। ये 89-80 की बात है, कोई ये कहेगा कि इलेक्शन है और इलेक्शन के बीच में आप इस मामले को उठा रहे हो। मैं इस बात को जानता हूं कि इलेक्शन है और इसीलिए मैं इसको उठा रहा हूं, क्योंकि आने वाले 5 साल के अंदर जो सरकार बनेगी उस सरकार में ये जो परिस्थिति देखी जाती है उसको ध्यान में रखते हुए वोटिंग होना चाहिए ऐसा मैं मानता हूं। यहां पर परिस्थिति ऐसी है कि 89-91 में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है सन्माननीय शरद पवार जी थे, इनका बीच का एक दौरा है जहाँ से वो भारत से लंदन गए, लंदन से कैलिफोर्निया गए, कैलिफोर्निया में दो दिन रहे। उनकी मीटिंग किसके साथ हुई इसका खुलासा उन्होंने करना चाहिए। दूसरा जो है कैलिफोर्निया में रहने के बाद वो लंदन दोबारा आए, दो दिन के लिए लंदन रुके और लंदन के बाद वो दुबई आए और दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में एयरपोर्ट पे ही मुलाकात हुई, सोने से माला उनको पहनाई गई वहाँ पर और शाम के ही फ्लाइट से वो लंदन दोबारा लौट आए। दो दिन के बाद वो दोबारा इंडिया आए, ऐसी एक परिस्थिति है। मुख्यमंत्री होने के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाज़त के बिना
कोई भी मुख्यमंत्री टूर नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से हम पूछना चाहते हैं, क्या इस उस वक्त की सरकार ने इस टूर को मान्यता दी थी? दूसरी बात यह है कि जो कैलिफोर्निया की मीटिंग थी और दाऊद इब्राहिम के साथ की जो बैठक थी, क्या इसको भी सरकार ने सैंक्शन दिया था, मान्यता दी थी? तीसरी बात जो है, क्या ये दोनों के मीटिंग का दौरा जो है मुख्यमंत्री के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया गया था? चौथी बात यह है कि इस बात को दबाया गया था, इसका खुलासा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लोग इसको कहेंगे कि ये पुरानी बातें हैं, ये बात सही है, लेकिन जिस इलाके में पैलेस्टाइन और इज़राइल का झगड़ा चल रहा है, केंद्र सरकार अंदर से इज़राइल की तरफ है, बाहर से पैलेस्टाइन की तरफ है, ऐसी एक परिस्थिति है कि जिसका गुस्सा भारतीयों में है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैंने जिस दौर की बात की, वहां पर भी इराक का मामला हो, फिलिस्तीन का मामला हो, यहां का भारतीय मुसलमान जो है कुछ व्यक्तियों को छोड़ के, 10-12 व्यक्तियों को छोड़ के, वो उनके ढांचे में नहीं आए। आज मैं मान के चलता हूं कि इज़राइल का मामला होने की वजह से कुछ भारतीय जनता जो है रिएक्ट हो सकती है, ऐसी एक परिस्थिति है, और इसको रोकना है तो ये जो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की व्यवस्था महाराष्ट्र में शुरुआत हो चुकी है, और दूसरी बात जिस तरह से कनाडा, यूएस और इंडिया, इनकी तरफ से जो मामला चल रहा है, मैं मान के चलता हूं कि मुंबई और महाराष्ट्र ये दोनों हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। एनसीपी से हम लोग ये ऐलान करते हैं कि वो इस बात का खुलासा करे कि क्या उनको इजाजत थी कैलिफोर्निया की मीटिंग में जाने की, क्या उनको इजाजत थी कि दाऊद इब्राहिम को दुबई में मिलने की। अगर इजाजत नहीं थे तो वो मिले क्यों थे, इसका विवरण जो है वोटर के सामने आना चाहिए। मैं वोटर को ऐलान करता हूं कि महाराष्ट्र में अगर शांति बनाए रखना है तो ये खुलासा जब तक नहीं आता है तब तक इन पार्टियों को वोट करना या नहीं करना, इस पर दोबारा उन्होंने सोचना चाहिए। और सारी बातें हैं, मेरे ख्याल से अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस पर कहते रहेंगे, लेकिन इलेक्शन महाराष्ट्र का है, शांति भी महाराष्ट्र में होनी चाहिए, और जो शांति का पीरियड अब अशांति में बदल रहा है, किस वजह से बदला उसके सामने हमने लोगों को रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीपी की ओर से इसका खुलासा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आप अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मराठी मी As I have said, that the timing which we have now chosen is there is going to be an election in Maharashtra. This government is going to last for 5 years if it is elected. Unless and until there is explanation as to what happened during 90s and 20s in India,
वी हैड अ सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, वी हैड अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग फिनिश्ड ऑफ. इफ वी डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन अगेन, दैट इज वन पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट, देयर इज एप्रिहेंशन विद इन द इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इफ द वॉर बिटवीन इजराइल पैलेस्टाइन हिजबुल्ला सीरिया लेबनान एंड ईरान इफ इट एक्सपांड्स इट विल हैव रिपरकेशंस ऑन इंडिया. दोज रिपरकेशंस आई थिंक सो नीड टू बी हॉल्टेड एंड वी नीड टू हैव अ प्रॉपर गवर्नमेंट हु डजंट हैव कनेक्शंस विद ऑल दीज एलिमेंट्स एंड देयरफॉर वी आर ब्रिंगिंग ऑल दीज फैक्ट्स बिफोर द पीपल. मानुष्यवन विजय गावंडे ब्यूरो रिपोर्ट.